गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और आज मैं आपको क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले के वीडियो में भी हम आपसे डिस्कस कर चुके थे, तो उसी के आगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्रिएटिव क्वेश्चंस जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए हम टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। तो जनरल फार्मूला हमने याद कर लिया था। सबसे पहला फार्मूला है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म। जो सीरीज लिखी जाती है उसका फर्स्ट टर्म जो है वो ए कहलाता है, एन आपका टर्म कहलाता है, डी इज द कॉमन डिफरेंस। नंबर टू, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है। उसी प्रकार से जब मुझे लास्ट टर्म दिया जाए तो इसलिए एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, वेयर एल इज द लास्ट टर्म। नंबर थ्री, ए एन इक्वल टू एस एन, जो सम दिया है उसमें से माइनस एस एन माइनस वन माइनस करते हैं तो आपका ए एन फाइंड आउट हो जाता है। नेक्स्ट इज, इफ थ्री नंबर्स ए बी एंड सी आर इन ए पी, देन बी माइनस ए इक्वल सी माइनस बी, ये कॉमन डिफरेंस है। तो यहां पर हम शो कर रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है यहां पर, तो आप देख रहे हैं यहां पर ए बी सी आर इन ए पी, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो आपका देखिए बी माइनस ए ये यहां पर लिखा हुआ है, और बी माइनस इसी सिमिलरली से थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो ये सी माइनस बी आएगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लाइक टर्म है, तो इसमें से माइनस का बी है ये इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो आपका बी प्लस बी, तो ये आपका टू बी हो जाएगा, टू बी मैंने नोट कर लिया। इसके बाद में यहाँ पर ए प्लस सी, तो ए जो माइनस का है ये आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, तो ए प्लस सी और टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। इफ द ए बी सी आर इन ए पी B इज द टर्म, तो इसमें से हम ये क्या है सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सीरीज AP में होती है तो हम उस समय कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इस तरीके से हमारा ये फार्मूला है कि जब इस तरीके से ट्रिक बेसिस के क्वेश्चंस आते हैं तो इस फार्मूले को आसानी से लेकर के हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर x माइनस टू फोर एक्स माइनस वन एंड फाइव एक्स प्लस टू आर इन ए पी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। एग्जाम में क्वेश्चन आया, अब इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। अब आपको अभी अभी रूल बताया था कि जब सीरीज ए बी सी इन ए पी में है तो कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को, थर्ड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो यहां पर देखते हैं ए बी सी आर इन ए पी, देन टू बी इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस सी, तो टू बी इक्वल टू ए प्लस बी में यहां पर बी की वैल्यू आपकी जो है वो यहां पर दे रखी है, ये बी की वैल्यू है, और इसके बाद में यहां पर ट्वाइस 4x माइनस वन इक्वल एक्स माइनस टू प्लस फाइव एक्स प्लस टू, तो यहां पर आपका जो है ये माइनस का टू और प्लस का टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर x प्लस फाइव एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स, तो यहां पर देखेंगे लाइट टर्म को ये माइनस कर लेंगे तो यहां पर 8x माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू टू, टू एक्स इक्वल टू टू, तो x इक्वल टू वन। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को लेते हुए कि यहां पर हम पूरा समझने का प्रयास करेंगे कि x की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की जाए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर टू, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन AP इज थ्री एंड देयर प्रोडक्ट इज 35, फाइंड द नंबर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो वहां पर हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखना है। तो लेट द नंबर ऑफ बी ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, ये सीरीज में नंबर लेंगे तो यहां पर तीनों को प्लस करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इक्वल टू थ्री, और यहां पर माइनस का डी और प्लस का डी कैंसिल, तो यहां पर ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू थ्री, मीन्स दैट थ्राइस ए इक्वल टू थ्री, ए इक्वल टू थ्री बाई थ्री इक्वल टू वन, ए की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। इसके बाद में आगे हम क्या करते हैं, गिवन में दिया गया है तीनों नंबर जो दिए गए हैं उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स ए माइनस डी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए प्लस डी इक्वल माइनस 35। अब इन दोनों में यहां पर हम देखते हैं
कि आइडेंटिटी ये बनती है a माइनस डी और a प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 35। तो इन दोनों का हम प्रोडक्ट किया है, मीन्स मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें जो वैल्यू दे रखी है 1 इक्वल टू 1 माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू हम जो सॉल्व कर चुके हैं, तो इसे हम सॉल्व करने के बाद यहां पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां पर ए की वैल्यू पुट कर दी है, तो एक जगह 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 35, मीन्स दैट 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 35 और माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 36, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल टू रूट 36, तो d की वैल्यू आपकी 6। अब हम जो सीरीज के तीन टर्म लिए थे, फर्स्ट इज a माइनस d, a और a प्लस d, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म a तो आपका निकल आया था a माइनस d 1 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 5 एंड a प्लस d इक्वल 1 प्लस 6 इक्वल टू 7। हेंस द नंबर्स आर 7, 1 एंड माइनस 5, सो इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री पर देखते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस इन एपी। क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है और आप लोग भी सोचते हैं कि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। आप जानते हैं तो कई स्टूडेंट एग्जाम में क्या करते हैं कि रूट 27 में से रूट 3 माइनस कर देते हैं, और रूट 27 में से रूट 3 जब माइनस करें रूट 25 लेके आ जाते हैं, ये कॉमन डिफरेंस है, बट दैट इज रॉन्ग। यहां पर क्या देख रहे हैं कि सीरीज एपी में तो है, लेकिन कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए यहां पर आप देख रहे होंगे कि रूट 27 है, और रूट 27 को सॉल्व करेंगे जो फैक्टर्स होंगे वो इस तरीके सॉल्व करेंगे कि रूट 27 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसमें से जो आपका ये पेयर बन जाएगा, तो इसमें से 3 आपका बाहर आ जाएगा, 3√3 रहेगा, तो ये आपका a2 आ जाएगा। तो यहां पर a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 जो आपका होगा वो 3√3 माइनस √3, तो आपका सॉल्व होकर के 2√3, ये आपका कॉमन डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ी भूल करते हैं एग्जाम के समय कि डायरेक्ट बहुत जल्दी क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें से इसको माइनस करके लिख देते हैं, तो ये इस तरीके से अगर सॉल्व करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो रूट में है पहले उसे सिंप्लीफाई करें और उसके बाद में हम उसको माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 + 6 + 11 + 16 + …x = 148। सीबीएसई एग्जाम में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आ जाता है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देने की भी जरूरत है। अब यहाँ पर जहां से सीरीज स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट टर्म इज a = 1, d = 6 − 1 = 5 एंड लास्ट टर्म sn = 148। लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म इन द सीरीज, तो यहाँ पर फॉर्मूला आप लगाएंगे sn = n/2 (2a + n − 1)(d). अब इसमें sn इज गिवन द 148 इक्वल टू n बाई 2 (2a + n − 1)(d). अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो sn के बेसिस पर 148 n बाई 2 (2 × 1 + n − 1)(d) और d की वैल्यू 5। अब इसे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n − 5 और 2 = 2। यहाँ पर लेफ्ट टर्म सॉल्व करेंगे 2 − 5 − 3, तो ये इसमें n का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 5n² − 3n = 296, और 296 को राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो 5n² − 3n − 296 = 0। अब इसके बाद जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, इसके पहले हम चैप्टर 4 पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें आपको ये बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब स्प्लिट टर्म से फैक्टर नहीं होते तो हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो इक्वेशन आपको ये दे रखी है इसे हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x² + bx + c = 0, इसमें a की वैल्यू क्या होगी, x² के साथ जो लिखी हुई है वो आपकी a की वैल्यू है या n² के साथ, तो a = 5 b = −3 और c = −296। अब इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d = b² − 4ac, तो -3² − 4 × 5 × −296, इसे सॉल्व करने के बाद आपका आता है d = 5929 और इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = −b + −√d/2a, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर रूट
में जो आता है 5929, इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट जो आपका सॉल्व होकर के आएगा वो 77 आएगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पर प्लस वैल्यू लेकर के और एक वैल्यू माइनस लेकर के सॉल्व करेंगे। प्लस वैल्यू ली गई है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये प्लस वैल्यू यहाँ पर आई है, यहाँ पर दो वैल्यू है, एक प्लस है एक माइनस है। तो यहाँ पर एक पहले हम प्लस वैल्यू को लेकर के सॉल्व करेंगे, n इक्वल टू 3 प्लस 77 अपॉन 10, मींस दैट 77 प्लस 3 इक्वल टू 80 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 आ गया। अब यहाँ पर माइनस वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे, n इक्वल टू 3 माइनस 77 अपॉन 10 इक्वल माइनस 74 अपॉन 10। लेकिन आपने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो वैल्यू आपकी नेगेटिव होती है वो नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू को लेना है। तो नाउ द लास्ट टर्म an इक्वल टू x, तो an का जो फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें वैल्यू आप पुट करेंगे, पुट करने के बाद x की वैल्यू जो है सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर 1 प्लस 35 इक्वल टू एक्स, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो यहां पर आपका x इक्वल टू 36। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5, sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n, देन फाइंड द nth टर्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत टाइम में सीबीएसई में पूछा गया है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n। तो यहां पर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी है, तो यहां पर s1 सॉल्व होकर के माइनस 1 आया। नेक्स्ट इज s2, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, तो n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो s2 की वैल्यू आ जाएगी 4। एंड s3 इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, n की प्लेसेस पर 3 पुट करते हैं तो s3 इक्वल टू 15। इसके बाद में सेकेंड टर्म जब हम फाइंड आउट करते हैं, a2 इक्वल टू s2 माइनस s1, यहाँ पर आप देख रहे होंगे s2 आपका 4 है और माइनस 1 जो आपका आया है माइनस फार्मूले का है और s की जगह माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। सिमिलरली a3 इक्वल टू s3 माइनस s2, तो 15 माइनस 14 इक्वल टू यहाँ पर 1, तो इसमें से माइनस करने के बाद में यहाँ पर 11 है, बाय मिस्टेक्स है, तो यहाँ पर 25 माइनस 14 इक्वल टू 11, यहाँ पर 25, तो सीरीज आपकी 5 11 17, d इक्वल टू 11 माइनस 5 इक्वल टू 6। इसके बाद में लेट e बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, A2 निकालेंगे तो A2 का मींस है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मीन्स ए प्लस डी, तो 5 इक्वल टू ए प्लस 6, तो A की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी 5 माइनस 6 A इक्वल टू माइनस 1। तो इसमें फार्मूला an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो a की वैल्यू आपकी है जो आपकी सॉल्व होकर के आएगी यहाँ पर माइनस 1, एन की जगह माइनस 1, डी की वैल्यू 6, 6 का ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व होकर के आएगा 6n माइनस 6, तो ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 6 है, तो ये 6n माइनस 7, ये आपका nth टर्म आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आज मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं सीबीएसई एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके बहुत अच्छी तरीके से अभ्यास करेंगे। और आपको मालूम है कि हमें जब तक पेन पेपर प्रैक्टिस ये मैथ में जब तक नहीं आएगी तब तक मैथ हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तो हम सभी को ये सोचना चाहिए जितना इतना अच्छा अभ्यास करेंगे उतना ही मैथ्स हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। थैंक यू।